हम सब जानते हैं कि चीता कितनी फुर्ती से दौड़ता है। धरती का सबसे तेज जानवर है ये। पर चीता अपने पैरों की ताकत या बदन के लचीलेपन के जरिए ही जिंदा नहीं रह पाता। चीता होने का मतलब सिर्फ बिजली की फुर्ती से दौड़ना नहीं है। इसकी एक पेचीदा रणनीति भी होती है। कामयाब शिकार के लिए ये अपने दिमाग से काम लेता है। बहुत ही तेज नजरों के सहारे देखता, नापता और हिसाब लगाता है। सबसे पहले तो टोली में अपना शिकार चुनना पड़ता है। इसके बाद लगाना पड़ता है सटीक हिसाब। चीता बस आधे किलोमीटर के दायरे में ही पूरी रफ्तार दिखा पाता है। इसके बाद इसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। इसलिए हर कदम संभल कर उठाना पड़ता है, दूरी नापनी पड़ती है और ये भी पक्का करना पड़ता है कि ये हिरण घायल है। इसके बाद शुरू होता है रफ्तार का खेल। 3 सेकंड में चीता 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। इसका हिसाब वाकई सटीक था और इसीलिए आज ये पेट भर के खाना खाएगा। पर 10 में से 4 बार चीता शिकार करने में नाकाम भी होता है। अफ्रीका के जंगली कुत्ते चीते से एकदम अलग रणनीति अपनाते हैं। ये कुत्ते टोली में शिकार करते हैं। सवाना में इनकी मजबूत टोली शिकार की तलाश में भटकती रहती है। टोली की ताकत का राज है शिकार करने की इनकी कारगर रणनीति। ये जंगली कुत्ते शिकार का पीछा एक साथ करते हैं और उसे पस्त कर डालते हैं। इन कुत्तों का दमखम कमाल का होता है। ये कई घंटों तक दौड़ सकते हैं और बारी बारी से अगुवाई करते हैं। सवाना में जंगली कुत्तों की टोली जिसके पीछे लग गई उसका बचना मुश्किल है। इनके नाम से यहां जानवरों की रूह कांपती है। जंगली कुत्तों की शिकार की रणनीति इतनी कमाल की है कि 10 में से 8 बार ये कामयाब रहते हैं। यही कामयाबी इस टोली को जोड़े रखती है। इनके बीच खाने के बंटवारे में भी पूरा इंसाफ होता है। चाहे मुखिया हो या सिपाही, टोली के हर सदस्य को उसका हिस्सा मिलता है। क्योंकि टोली में बराबरी का बर्ताव किया जाता है, इसलिए जंगली कुत्तों की शिकार की मुहिम में हर सदस्य जी जान से काम करता है। दूसरी तरफ टाइगर अकेले शिकार करते हैं। तेज रफ्तार वाले टाइगर छिपकर सही मौके का इंतजार करते हैं। पर ये सब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं।
टाइगर जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर है। अपनी इतनी बड़ी काया को छिपाने के लिए टाइगर के पास धारियां हैं ताकि वो झाड़ियों में घुल मिल जाए। ताकतवर होने के बावजूद टाइगर छिपकर शिकार करते हैं क्योंकि यही इनकी कामयाबी का राज है। अगर शिकार में कामयाब होना है तो टाइगर की ताकत और उसकी रणनीति शिकार की समझदारी और सावधानी से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। टाइगर के पास एक और कमाल का हथियार होता है, उनका धीरज। ये बिजली की तेजी से अचानक हमला करते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार छोटी दूरी तक ही सीमित है। इसलिए शिकार के जितने पास आ जाएं उतना अच्छा। अगर शिकार 10 मीटर से ज्यादा दूर हुआ तो उसका बच निकलना तय है। इस बार टाइगर का हिसाब सटीक निकला। पेट भरने के बाद अब इसे प्यास लगी है। टाइगर जहां जहां जाता है उसके आतंक का साया हमेशा उसके साथ साथ चलता है। इस नन्ही बत्तख को टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस महान हमलावर का पसंदीदा शिकार बत्तख नहीं, हिरण और जंगली शूकर हैं। फिलहाल तो टाइगर पानी पीने की एक सही जगह की तलाश में है। पर इतने आसान शिकार को भला कौन छोड़ेगा? इस नन्ही बत्तख पर टाइगर की निगाह है। बत्तख की बेफिक्री जानलेवा बन सकती है। बत्तख इसलिए बच निकली क्योंकि पानी में टाइगर उतना फुर्तीला नहीं रहता। सही वक्त पर बत्तख ने टाइगर को चकमा दे दिया है। ब्राउन बेयर या भूरे भालू उत्तर की नदियों के किनारे जमा हो जाते हैं क्योंकि सैमन मछलियां यहां वापस लौटती हैं। भालू बड़े इलाकों के स्थानीय शिकारी होते हैं। इनका वजन 600 किलो से ज्यादा होता है। ये सब कुछ खाते हैं और इसलिए कोई बड़ा शिकार नहीं करते, पर हां मछलियां पकड़ने में ये बड़े माहिर होते हैं। भालुओं की रणनीति कमाल की होती है। मछलियां पकड़ने की सही जगह और सही वक्त क्या है इन्हें पता होता है, जैसे गर्मियों के आखिर में। समंदर की सुरक्षा को पीछे छोड़कर
ये सैमन मछलियां नदी के ऊपरी हिस्से में अंडे देने जा रही हैं। सैमन भालुओं का सबसे पसंदीदा मौसमी खाना है। मछलियों के शरीर में मौजूद तेल से भालुओं के बदन में चर्बी जमा होती रहती है। सर्दियों में जब ये किसी गुफा में लंबी नींद लेने जाते हैं तो ये तैयारी काम आती है। भालुओं की शिकार की रणनीति बड़ी असरदार होती है। एक दिन में ये दर्जनों सैमन पकड़ लेते हैं। ये उस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां मछलियां धारा में आगे जाने वाली होती हैं। बस भालू अपनी फुर्ती दिखाकर तेज रफ्तार से झपट्टा मार लेते हैं। तेज नाखून और मुड़े हुए दांत फिसलदार सैमन को जकड़े रखने में इनकी मदद करते हैं। ये दावत कई दिनों तक लगातार चलती है। इस बीच ये आराम तक नहीं करते। सर्दियों में जिंदा बचे रहने के लिए भालू एक खास रणनीति अपनाते हैं। ये कामयाब रही तो भालुओं के लिए सर्दी का मौसम आराम से कट जाता है, जैसे इस साल। शिकार करने या मछली पकड़ने में अलग अलग रणनीति अपनाई जाती है, जो शिकारी के हिसाब से बदल जाती है। नदियों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो एक कमाल की रणनीति अपनाते हैं। भेस बदलो और अदृश्य हो जाओ। अदृश्य बनने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से भेस बदलना जिससे किसी को शक ही ना हो, जैसे ये तैरती हुई पत्ती। अमेज़न की बेसिन में एक ऐसी मछली रहती है जो हमारी हथेली से भी छोटी होती है। ये है लीफ फिश। इसके शरीर के किनारे कटे फटे लगते हैं, मानो कोई पुरानी सड़ती हुई पत्ती हो, और रंग भी ऐसा मानो भूरी सूखी पत्ती पानी में तैर रही हो। नदी में तैरती अनगिनत पत्तियों या शाखाओं में से एक मछली इतनी बारीक हलचल करती है कि देखकर लगता है मानो वो बस बहाव में बही चली जा रही है। पर ये सब एक नाटक है। इस तरह अपने बारीक पैंतरों के जरिए लीफ फिश बिना किसी आहट के अपने शिकार के पास पहुंच जाती है। दूरी होने के बावजूद भी बहुत देर हो चुकी है।
इस मछली का बचना नामुमकिन है। पलक झपकते ही लीफ फिश ने अपने शिकार को झपट कर अपने मुंह में भर लिया। बेचारी समझ भी नहीं पाई कि अचानक क्या हो गया। लीफ फिश की रणनीति इतनी सटीक है कि शिकार को ज्यादातर इसकी भनक तक नहीं लगती। दलदली पर्यावरण, जैसे ये मेडिटेरेनियन पोखर, यहां आसपास तरह तरह के जीव रहते हैं। झीलों और पोखरों में रहते हैं कई ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि ये हरे मेंढक। ये यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जमा हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इनका यहाँ होना हमलावरों की नजर से चूक नहीं सकता और वो इन्हें पकड़ने के बड़े अनूठे तरीके अपनाते हैं। पानी में नीचे की तरफ से हमला करना बढ़िया रहता है। मेंढक सोच भी नहीं पाता कि दुश्मन उसके अपने घर में छिपा है। जमीन से छलांग लगाते इस मेंढक को अंदाजा तक नहीं कि एक पानी का सांप उसके पीछे लगा है। जब तक मेंढक को अंदाजा लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पिछले पैरों से सांप ने इसे पकड़ लिया है ताकि ये छलांग ना लगा सके। इस मेंढक का दिन आज खौफनाक बन गया है। इस हलचल से एक और सांप चला आया है जिसने इसके सिर को निशाना बना लिया है। अब दो सांपों के बीच एक मेंढक को खाने के लिए जंग छिड़ी हुई है। देखना यह है कि कौन जीतता है। जीतेगा वही जो डटा रहेगा। पहला सांप जीता क्योंकि उसने लगातार अपनी ताकत लगाई, दूसरे को हटना पड़ा। हालांकि सारे सांपों का शरीर एक जैसा होता है, पर वो शिकार करने के लिए तरह तरह की रणनीति आजमाते हैं। चाहे जंगल हो या नदियां, झीलें हो या रेगिस्तान, ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, हर छेद में प्रवेश कर सकते हैं। पेड़ों की शाखाओं में शरण लेने वाले पक्षी भी इनसे बच नहीं सकते।
मॉन्टपेलियर स्नेक की नजर बहुत शातिर है। ये अपनी जीभ से हवा का स्वाद ले रहा है। उसे पास ही शिकार की मौजूदगी का पता चल गया है। ग्रेट टिट बेचैन हो गई है क्योंकि उसका राज इस सांप के सामने खुल गया है। हालांकि पंख फड़फड़ाकर ये चिड़िया आसानी से भाग सकती है, पर वो डर के बावजूद अब तक डटी है। सांप पेड़ के तने में बने एक घोंसले की तरफ बढ़ रहा है, पर ये चिड़िया उसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकती। घर पर डाका पड़ गया है। इसके चूजे भाग भी नहीं पाएंगे। सांप ने घोंसले को बंद कर दिया है और एक एक करके उन्हें सफा चट कर रहा है। लाचार माता पिता ये खौफनाक नजारा देख रहे हैं। आखिरी चूजे को जमीन पर गिरने दिया है ताकि बाद में आराम से उसे खा सके। लेकिन सांप हमेशा जीतते नहीं हैं। दक्षिण अमेरिका के दूर दराज के मैदानों पर मामला थोड़ा सा अलग है। यहां दुनिया की एक सबसे अजीब चिड़िया रहती है। लंबी गर्दन और अपने लंबे पैरों की वजह से ये छोटे शुतुरमुर्ग की तरह दिखती है। ये चलने में थकती नहीं है। इसकी लंबी घुमावदार चोंच बड़ी खतरनाक होती है। ये है सेरियना। सेरियमा मैदानों की शिकारी है। ये मैदानों में अपनी गर्दन तान कर भटकती है, शिकार की खोजबीन करती रहती है। जैसे अभी इसे मिला है एक बड़ा सा टिड्डा। हालांकि सेरियमा कीड़ों को नहीं खाती, पर इसका आकार, इसकी ताकत और इसकी भूख के रहते ये तरह तरह के जीवों को खाती है, जिसमें सांप भी शामिल हैं। ना तो सेरियमा को जहर से डर लगता है और ना ही जहरीले दांतों से। सांप के जबड़ों से निपटने के लिए इसके लंबे पैर और धारदार चोंच ही काफी है। और सेरियमा का हमले का तरीका इतना कमाल का है कि सांप सीधे बेहोश ही हो जाता है। ये सांप के सिर को पकड़कर इतनी जोर से पटकती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये अनूठा पक्षी सांप को साबुत निगल लेता है।
आइबेरियन पेनिनसुला में ये लिंक्स शिकार पर निकला है। आइबेरियन लिंक्स बुरे दौर से गुजर रहा है। आज दुनिया में ये बस 500 ही रह गए हैं। इसके धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह है खरगोशों की कमी। आइबेरियन लिंक्स के 98% शिकार खरगोश ही होते हैं। ऐसे में जब खरगोश खत्म हो जाते हैं तो लिंक्स भी गायब हो जाते हैं। खरगोशों में मिक्सोमाटोसिस या वायरल हेमोरेजिक डिजीज जैसी बीमारियों ने लिंक्स को भी खतरे में डाल दिया है। लेकिन जहां खरगोश की तादाद बढ़िया है वहां लिंक्स भी बड़े मजे से रह रहे हैं। खाने का समय है और लिंक्स शिकार पर घात लगाए हुए हैं। इसके शिकार का एक खास तरीका है जो हमेशा कामयाब रहता है। अपने इलाके में एक चक्कर लगाकर यह देख लेता है कि कहां खरगोश बड़ी तादाद में है। इसके बाद धीरज से इंतजार करना इसकी रणनीति का हिस्सा है। लिंक्स संभल कर बिना आहट के आगे बढ़ता है। उसके बाद वो अपने शिकार पर फोकस करता है। इसके बाद वो एक जोरदार झपट्टा मारता है और खरगोश को फौरन निपटा देता है। आइबेरियन लिंक्स का जिंदा रहना खरगोशों की तादाद के भरोसे है। वो जिस दूर दराज के इलाके में रहते हैं वहां खरगोश बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जहां खरगोश होंगे लिंक्स उनके आसपास ही मिलेंगे। पर कुछ शिकारी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। कोमोडो ड्रैगन का वजन 70 किलो और लंबाई 3 मीटर होती है। जो भी इन्हें देखता है वो दहशत में आ जाता है। ये आमतौर पर पोखरों के आसपास या जंगलों में घात लगाकर शिकार करते हैं। दूसरे रेप्टाइल्स की तरह इनकी जीभ इन्हें शिकार की मौजूदगी और उसकी दूरी का पता देती है। ऐसा लगता है कि इस बार उसे कामयाबी नहीं मिली है। कोमोडो ड्रैगन इस टापू पर मौजूद शिकार के भरोसे ही जिंदा रहते हैं। यहां शिकार की भरमार तो नहीं पर वो कम भी नहीं। मोटे तौर पर कोमोडो ड्रैगन मुर्दाखोर ही होते हैं। आखिरकार इस ड्रैगन को पता चल गया है कि जिस शिकार का उसने सारा दिन पीछा किया
अब वो पकड़ में आने वाला है। ड्रैगन इतना विशाल है कि इस बकरी को साबुत निकल सकता है। रेंगने वाले इस जीव का पेट कई हफ्तों तक शिकार को हजम करता रहेगा। एक बढ़िया शिकार मिल जाए तो इसका महीने भर का काम चल जाता है। पर सारे जानवर ऐसे नहीं कि महीने में एक बार शिकार करके जिंदा रह जाएं। धरती के टेम्परेट यानी शीतोष्ण इलाकों में शिकारियों को रोजाना शिकार करना पड़ता है, वरना जीने के लाले पड़ जाते हैं। एक वीरान गांव के खंडहरों में रहता है एक बहुत ही माहिर शिकारी पक्षी। खंडहर या दूसरे वीरान इलाकों में नॉर्दर्न गोशॉक मजे से शिकार करता है। इस पक्षी को जंगल पसंद है। यहां टूटी फूटी इमारतें और उनके बीच पेड़, एक ऐसी कुदरती भूल भुलैया जहां तरह तरह के जीव रहते हैं। इनमें गोशॉक के पसंदीदा शिकार खरगोश और कबूतर भी शामिल है। ये शिकार की पसंदीदा जगह है। खरगोश जान बचाने के लिए यहां झाड़ियों में फैल जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये पक्षी कब और कहां से सामने आ जाएगा। ये पक्षी आखिरी पल तक छिपा रहता है, जिससे शिकार के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम इंसानों के लिए ये खूंखार नजारा होगा, पर सारे इकोसिस्टम शिकारियों के शिकार करने और बचे रहने पर ही टिके हुए हैं। सबको किसी तरह अपना गुजारा करना है और बचे रहना है। ग्रेट ग्रे श्राइक बहुत ही खूबसूरत पर अजीब आदतों वाली चिड़िया है। इसके चूजे बहुत बड़े हो चुके हैं और जल्द ही घोंसले को छोड़ देंगे। बड़े होने के इस आखिरी दौर में इन्हें बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है ताकि ये आजादी से जिए। ये चुनौती भरे दिन हैं। श्राइक माता पिता को बच्चों का पेट भरने के लिए चाहिए एक बड़ा सा शिकार। श्राइक के इलाके में कोई भी छोटा जीव इनसे बचा नहीं रह सकता, उनके बराबर के दूसरे जीव तक नहीं। कुदरत में हमेशा एक नियम चलता है, जब आपको अपनी हिफाजत का कुछ ज्यादा ही भरोसा हो जाता है तो वो जानलेवा बन जाता है। इस चूहे के साथ यही हो रहा है। श्राइक के लिए ये एक सही शिकार है, बड़ा और ज्यादा गोश्त वाला। पर मेहनत भरे इस शिकार के बाद वही हमेशा की समस्या इसके सामने आती है। इसके नाखून इतने मजबूत नहीं कि शिकार की चीर फाड़ कर सकें। श्राइक ने इसका एक बेदर्दी भरा पर चालाक तरीका खोजा है। पास की एक झाड़ी का कांटा, जिसमें शिकार को फंसा दिया जाता है। जब शिकार उसमें फंस जाता है तो श्राइक उसके मांस को नोच नोच कर घोंसले में ले जाती है। इस तरह हर चूजे को उसके हिस्से का मांस मिल जाता है। श्राइक के चूजे अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं।
धीरज कुछ शिकारियों के बचे रहने का बड़ा राज है, कुछ लेजेंडरी स्टेटस वाले शिकारियों का। मारा नदी का किनारा, एक ऐसा इलाका जिसे पार करने की ताक में बहुत सारे जानवर इंतजार कर रहे हैं। माहौल में तनाव है, हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। चौपाए जानवरों का विशाल झुंड नदी पार करता है, ये नए चरागाहों की तलाश में निकलते हैं। अनुभव और सहज वृत्ति से ये समझ जाते हैं कि नदी में जान का खतरा है। अफ्रीका के सबसे बड़े और ताकतवर जबड़े यहां इनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ जानवरों के लिए मारा नदी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। एंटीलोप और ज़ेब्रास हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि पूरी टोली के साथ नदी के पार जा सकें। दूसरी तरफ मगरमच्छ भी इंतजार कर रहे हैं, इन्हें कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी साल भर इन्होंने इनके लौटने का इंतजार किया है। बस थोड़ा सा इंतजार और, बस थोड़ा और, इसके बाद तो जैसे शिकार इनके जबड़ों तक चलकर ही आएगा। इनकी योजना का कोई जवाब नहीं है। धीरज रंग लाता है, इसके रहते ये बिना किसी मेहनत के बड़ी तादाद में ताजा शिकार को खा लेते हैं, क्योंकि हजारों जानवर मारा नदी को पार करने के लिए चल पड़ते हैं। मगरमच्छों ने अपना पेट ठूस ठूस कर भर लिया है, पर ये अपने हाजमे पर काबू कर सकते हैं ताकि ये खाना साल भर इन्हें इसी तरह कायम रख सके। इंतजार और धीरज कई शिकारियों के लिए बहुत मायने रखता है, इनमें कुछ सबसे छोटे शिकारी भी शामिल हैं। ये भले दिखने में भयानक हो, पर ग्रीन टाइगर बीटल बस 2 सेंटीमीटर लंबा ही होता है।
पर यहाँ आकार से क्या फर्क पड़ता है? ये शिकारी है और इसके सामने शिकार की हालत खराब होना तय है। चाहे चीते हों या मगरमच्छ या फिर टाइगर बीटल, सारे शिकारी जानवर अपनी बनावट के मुताबिक शिकार करते हैं। टाइगर बीटल एक टाइगर जितने फुर्तीले और मगरमच्छ जैसे तेज धार जबड़ों वाले होते हैं। इनके बच्चे भी उतने ही खतरनाक होते हैं, हालांकि ये शिकार का एकदम अलग तरीका अपनाते हैं। टाइगर बीटल के बच्चे अपने बिल में भेस बदलकर छिप जाते हैं और शिकार का इंतजार करते हैं। ये बहुत ही निपुण और खूंखार होते हैं और किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। जब तक शिकंजा न कस जाए, टाइगर बीटल का लार्वा चैन से नहीं बैठता। टाइगर बीटल लार्वा शिकंजा बनाने के बाद धीरज से इंतजार करता है। ये भी शिकारियों की नई सोच की एक मिसाल है, जिनके हथियार, हुनर, बनावट और बुद्धि सब मिलकर एक रणनीति बनाने में काम आते हैं, और वही रणनीति इन्हें जिंदा रखती है।